हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट वन बेकर फ्रॉम गोवा देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर लुसियो रोगाडस हैं। तो दोस्तों देखो, ये चैप्टर गोवा बेस्ड ट्रेडिशनल विलेज बेकर्स का एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट यानी जब किसी चीज को इतनी अच्छी तरह से बताया जाए कि सामने वाले के माइंड में उसका एक पोर्ट्रेट यानी उसका एक इमेज बन जाए। दोस्तों बहुत साल पहले गोवा एक पोर्चुगल कंट्री हुआ करती थी, और आज तक भी गोवा के लोग में पोर्चुगालिस टाइम की ट्रेसेस को देखा जा सकता है। ऑथर के घर में जो एल्डर्स हैं वो अपनी पोर्चुगल टाइम की मीठी मीठी बातों को याद कर रहे हैं, और वहां पर खाई जाने वाली फेमस पोर्चुगल ब्रेड लोस को भी याद कर रहे हैं। दोस्तों पोर्चुगल्स के टाइम पर गोवा में बहुत सारी बेकरीज थी। वहां पर राज करने वाले पोर्चुगल्स तो अब चले गए हैं, लेकिन अभी तक ब्रेड बेक करने वाले वहीं पर हैं। गोवा में जो पुरानी बेकरीज थी वो आज भी वहीं पर हैं और चलती भी हैं। वहां की फर्नेसेस बहुत अच्छी हैं और इतनी टाइम से बिना रुकावट चल रही हैं। और जो ब्रेड सेलर्स हैं वो अपने हाथ में बैम्बू के स्टिक लेकर उस पर बास्केट लगाकर जो ब्रेड बेचने आते थे उन्हें आज भी देखा जा सकता है, और उनकी आवाज़ को आज भी कई जगहों पर सुना जा सकता है। बहुत सारे बेकर्स तो आज मर चुके हैं, लेकिन उनके प्रोफेशन उनके बच्चे आगे कैरी कर रहे हैं। बेकर को पोर्चुगीज की भाषा में पैडर कहा जाता है, और आज भी गोवा में बेकर्स को पैडर कहा जाता है। जब ऑथर बच्चे थे वो गोवा के एक विलेज में रहते थे, तब वहाँ पर आने वाला बेकर ही उनका सब कुछ था, जैसे कि उनका फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड भी। और वो कम से कम उनके घर के सामने दो बार आता था। जब वो मॉर्निंग में पहली बार अपनी टोकरी भरकर बेचने निकलता था, और फिर शाम को जब पूरे शहर में घूमने के बाद खाली टोकरी लेकर वापस जाता था। जब हम सोए रहते और हमें बेकर के बैम्बू के जिंगल की आवाज़ आती तो हम जल्दी से उठकर बाहर भागते और उससे मिलते और उसे ग्रीट करते। पर हम ऐसा क्यों करते थे? क्या ये हमारा ब्रेड के लिए प्यार था? ऑथर बाहर स्पेशल ब्रेड लेने के लिए भागते थे, जो कि बैंगल्ड शेप की होती थी, जिन्हें कानकोन कहा जाता है। वो जब एक हाथ में बैम्बू स्टिक लेकर आता था तो बहुत अच्छी जिंगलिंग की आवाज़ आती थी। जब उनकी मेड बाहर ब्रेड लेने जाती तो वो बैम्बू और बास्केट नीचे रख दिया करता था, और जैसे ही पीछे से बच्चे दौड़कर बाहर आते उनके पेरेंट्स उन्हें डांटकर वहीं पर रोक लेते। पर वो जैसे तैसे दीवार के पीछे छिप कर ब्रेड की बास्केट में झांक ही लेते। ऑथर कहते हैं कि उनको उस फ्रेश ब्रेड की खुशबू आज भी याद है। घर के बड़े लोग ब्रेड लोब्स खाते थे और बच्चे ब्रेड बैंगल्स खाते थे। जब उन्हें अपनी मन पसंद बैंगल ब्रेड मिल जाती थी तो वो उसे जल्दी से खा जाते थे, और ये भी केयर नहीं करते थे कि उन्होंने ब्रश किया है या नहीं। वैसे भी वो सोचते हैं कि उन्हें ब्रश करने की ज़रूरत भी क्यों है, और वो एक बहुत लंबा काम था। आम की लकड़ी को तोड़ो, उससे ब्रश करो। दोस्तों पहले के लोग टूथब्रश या पेस्ट नहीं यूज़ करते थे, वो अलग अलग पेड़ जैसे कि नीम, बबूल और मैंगो के डेलिकेट लकड़ी को चबाकर ब्रश करते थे, जिससे नेचुरल क्लिंजिंग हो जाती थी। ऑथर कहते हैं कि शेर कोई ब्रश तो करता नहीं है, फिर भी वो इतना साफ रहता है, तो फिर हमें क्या जरूरत। ऑथर बताते हैं कि गोवा में ब्रेड का इतना इम्पोर्टेंस था कि मैरिज गिफ्ट में भी बॉल नाम की ब्रेड देना जरूरी था, और जिस पार्टी में ब्रेड ना हो उसे तो लोग इंजॉय ही नहीं कर सकते थे। अगर किसी घर में डॉटर की इंगेजमेंट हो और सैंडविच ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। पोर्चुगीज टाइम के ब्रेड सेलर स्पेशल टाइप की ड्रेस पहना करते थे, जिसे कबाई कहा जाता है। वो एक सिंगल कपड़े की बनी फ्रॉग जैसी ड्रेस होती थी। लेकिन ऑथर ने उनके बचपन में जो बेकर और पैडर्स देखे थे वो शर्ट और ट्राउजर पहनते थे, लेकिन जो ट्राउजर होता था उसकी लेंथ फुल भी नहीं होती थी और घुटनों से नीचे होती थी, यानी वो एक 3/4 पैंट होती थी। जो लोग आज भी ऐसी पैंट पहनते हैं, लोग उन पर कमेंट करते हैं कि वो पैडर हैं। बेकर महीने के आखिरी में बिल लेता था, और जो हिसाब रहता था वो घर के बाहर वाली दीवार पर पेंसिल से मेंटेन किया जाता था। बेकिंग उस टाइम का बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था, क्योंकि उनके फिक्स्ड कस्टमर्स थे। बेकर की फैमिली कभी भी भूखी नहीं रहती थी,
और बेकरी में काम करने वाले हर कोई अच्छी लाइफ जीते थे। अभी भी जो इंसान जैक फ्रूट यानी कटहल जितना मोटा होता है उसे लोग बेकर ही कहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत हट्टे कट्टे और मोटे होते थे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने गोवा की ट्रेडिशनल ब्रेड और बेकर्स के बारे में जानकारी ली। डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड की परंपरा गाँव में अभी भी देखी जा सकती है। ऑथर ने एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से किया है जैसे कि हम कोई पोर्ट्रेट देख रहे हों।